हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह के बज गए 8 और सभी को गुड मॉर्निंग। और देखिए कितनी धूप निकल रही है और मेरा पानी हो चुका है गर्म। चूल्हे पे पानी गर्म कर लेते हैं और देखिए चूल्हा कितना ख़राब हो चुका है और मेरी झाड़ू वाड़ू सब लग गई है। अब इसमें बस चौका लगाना रह गया है, तो चलो लगाते हैं चौका। चौका भा धुल लेते हैं हाथ। और हमारा प्रिंसेस वॉकर उड़ चुका है। तो फ्रेंड मैंने हाथ धुल लिया है, चलते हैं नीचे। और देखिए मेरे घर में पोछा लग चुका है, मेरे भाई ने सारे पोछा लगा दिया। आज मेरे भाई ने लगाया पोछा और टाइम देखिए बच चुके हैं 10-15। तो फ्रेंड हम नहा लेते हैं और मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। और देखिए हमारा पेड़, मुझे ये अपना पेड़ सबसे अच्छा लगता है। इसकी लाइट डेकोरेशन, इसके अकॉर्डिंग मैंने 3 पेड़ और कर लिए हैं इसी तरह से। और मैं भी लाइट लगाऊंगी और फिर यहाँ रखूंगी उन पेड़ को भी। तो फिर आपको जल्दी मेरी वीडियो में वे भी दिखा करेंगे, शॉर्ट वीडियो में। तो फ्रेंड मैं हो चुकी हूँ तैयार, हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है और टाइम देखिए 1:30 बजने वाले हैं। और मैं जा रही हूँ, मैं देर हो रही है क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर के पास। और मेरे फेस पर थोड़े से दाने निकल रहे थे, पता नहीं इन्फेक्शन सा हो गया है। कुछ लगा लेती हूँ ऐसे, मैंने फाउंडेशन लगा लिया था, वीडियो बना रही थी तो फाउंडेशन लगाने के बाद मेरे फेस पर दाने निकल गए। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने अपना फेस। पता नहीं क्यों हमारे फेस पर कोई क्रीम ही सूट नहीं करती, कभी भी कुछ भी लगाते हैं तो ऐसा ही हो जाता है। पता नहीं कैसे हमारी स्किन में पता नहीं कोई दिक्कत है, खून में कमी है। तो चलते हैं। और फ्रेंड देखिए हम, और मैंने ना बिजनेस स्टार्ट कराया है सब्जी का, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए हमारे आलू टमाटर प्याज, तो फ्रेंड आप खरीद सकते हैं। टमाटर है 40 रुपए किलो और प्याज है 25 रुपए किलो और आलू है 40 रुपए किलो, मोटे मोटे हैं। और अदरक है 80 रुपए पाव और मटर भी है 40 रुपए किलो। तो फ्रेंड आकर जरूर खरीदें। और इतना पढ़ने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं है, बीएड एमए कर रखा है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही जॉब लग रही है। अभी मैं कुछ दिनों पहले ही सीटेट का पेपर देने गई थी जनवरी में, तो वो भी लीक हो चुका है। और ना ही सरकार कोई वैकेंसी निकालती है जो हम पेपर दें। और बीएड तो अब ख़त्म ही कर दिया है, बीटीसी की अहमियत है, बीएड वालों को तो हटा ही दिया है, तो बीएड वाले क्या करें। तो इसलिए छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें। तो जैसे मैंने सब्जी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो आप भी कुछ ना कुछ करें। बीएड वाले खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। जब पढ़े हैं तो कुछ तो करेंगे। और नॉर्मल जॉब करने जाते हैं तो 5,000 से ज़्यादा कोई सैलरी ही नहीं देते, क्योंकि बीएड वाले को टीचिंग ही लाइन में रखते हैं। और वैसे अलग से जॉब करने जाते हैं तो 5,000 ज़्यादा मिलते नहीं हैं। बात तो सही है। टीचिंग के लिए भी काफ़ी बार अप्लाई करा है, लेकिन टीचिंग के लिए जब जाते हैं तो वे सिर्फ 2,000 या 3,000 से ज़्यादा पैसे देते नहीं, क्योंकि बोलते हैं कि बीएड वालों की अहमियत कम है, बीटीसी वालों की ज़्यादा है। तो मेरी सरकार से अपील है कि आपने बीएड कराया क्यों था, कि अगर जब हमें जॉब पे ही नहीं रखना है और ना ही आप वैकेंसी निकाल रहे हो कुछ, तो बीएड वाले करें तो क्या करें। तो फ्रेंड आप भी मेरी तरह कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करें, घर पर खाली ना बैठें, अपना करियर बनाएं, जॉब करें। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम करना चाहिए जिस तरह मैं कर रही हूँ। तो हमने सब्जी का बिजनेस स्टार्ट करा है, तो देखते हैं कैसा चलेगा। तो फ्रेंड अब चलते हैं मार्केट डॉक्टर के पास। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको अपने डॉक्टर। 1 बजे वो डॉक्टर बैठ जाते हैं और मैं लेट हो चुकी हूँ काफ़ी, तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड जाने से पहले एक कस्टमर आया सब्जी के लिए, पहले वो सब्जी देते हैं। चलो आलू प्याज तो मेरे पहले कस्टमर।
हो मेरे पहले कस्टमर, ऐसा लगा सब्जी खरीदते हुए। तो फ्रेंड काफी भीड़ थी तो मैं दिखाने पाई आप किसी के भी कुछ। चलते हैं अब घर। तो फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ घर और टाइम देखिए आप 4:30 बज चुके हैं और थक गई हूँ काफी। अपने भाई से कहती हूँ मुझे एक गिलास पानी देगा, देख रहा है जैसे उसके लिए चीज लेकर आई हूँ कुछ। फ्रेंड मैं आपको अपनी दवाई दिखाती हूँ और डॉक्टर ने इतना लंबा बिल बैठा दिया है मेरा। नॉर्मल स्किन पर इन्फेक्शन ही हुआ था, एलर्जी हो रही थी और तब भी इतना बिल बैठा दिया। चलो मैं आपको अपनी दवाई दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये है पेपर और 500 रुपये का ये पेपर बना था और ये इतनी सारी दवाई दी है खाने के लिए और ये सिर्फ 7 दिन की दवाई है और 7 दिन के बाद फिर बुलाया है। और मैंने पूछा था डॉक्टर से कि मैंने फाउंडेशन लगाया था फाउंडेशन की वजह से इन्फेक्शन हुआ है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं फाउंडेशन की वजह से नहीं हुआ है, वो ऐसे ही खून में तेज़ी आ गई है तो इस वजह से हो चुका है। और मेरे पास तो ब्लड भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से तेज़ी आ चुकी है। तो फ्रेंड काफ़ी महंगा बजट बैठ चुका है मेरा, इतनी सी ही दवाई ये 1500 रुपये की मिली है और 500 रुपये का ये पर्चा 2000 रुपये लग चुके हैं। और अभी तक ना मैंने खाना भी नहीं खाया, 1 बजे यहाँ से चली गई थी 1 बजे के बाद, फिर 1 बजे डॉक्टर बैठ जाते हैं तो मेरा नंबर 2:30 बजे आया था वहाँ पर। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, काफ़ी थक चुकी हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।